हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इस दोस्तों वीडियो में बात करेंगे हम आईटीआई से आने वाले नए वैकेंसीज़ को लेकर के, कि आखिर कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं जो कि दोस्तों यहां पर यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू आती है, और कौन कौन सी वैकेंसीज़ आने वाली हैं, कितने पदों पर आने वाली हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना दोस्तों, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आपको पता है यहाँ पर आईटीआई संबंधी जितनी पोस्ट होती है आपको इस चैनल पर हमेशा देखने को मिलती है। ठीक है, इसलिए आप इस चैनल से चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आने वाले अपकमिंग जितनी भर्तियाँ होती हैं आईटीआई से रिगार्डिंग, सब कुछ आपको देखने को मिलता रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली वैकेंसी से दोस्तों मैं बात करता हूँ ट्यूबवेल ऑपरेटर को लेकर के। आखिर वो दोस्तों ऐसी वैकेंसीज है जो कि सिर्फ आईटीआई वालों को अप्लाई करना होता है। नलकूप वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर नलकूप की वैकेंसीज आती है, ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसीज आती है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि आपने देखा होगा कि 8-10 सालों से आपको ऐसी कोई वैकेंसीज देखने को नहीं मिली होंगी जो कि नई नोटिफिकेशन निकाला गया होगा। वो दोस्तों ट्यूबवेल ऑपरेटर एक ऐसी वैकेंसीज है, जितने सारे सिंचाई के साधन हैं सब कुछ अस्त व्यस्त पड़े हैं अपने उत्तर प्रदेश में, और सब चीज़ों में जंग, मशीनों में जंग लग गई है, कुछ भी नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट कुछ ध्यान नहीं दे रही है। कुल मिलाकर किसानों के साथ जो अत्याचार है, अभी सोचो कि वैकेंसीज भी नहीं निकाल रहे हैं, जबकि इनको हर साल वैकेंसीज निकालनी चाहिए थी। आप ज़्यादा मत निकालो, 600-800 पद ही निकाल दो, ठीक है, 8,000-1,500 पद ही निकाल दो। लेकिन दोस्तों इन लोगों ने ऐसा किया है कि एकदम कसम खा लिया है, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ आखिर वैकेंसीज़ के बारे में। बात की गई है, धरना प्रदर्शन किया गया है, ज्ञापन सौंपा गया है मुख्यमंत्री तक, ये बात गई है। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ आखिर कब तक ये वैकेंसीज आने के चांसेस हैं। देखो भाई, जिस हिसाब से पता चली है कि ट्यूबवेल ऑपरेटर वैकेंसीज को लेकर के, तो पता ये चली दोस्तों यहाँ पर कि ये जुलाई का मंथ है, एंड है, कम्प्लीट ही है, अगस्त सितंबर, ठीक है, सितंबर दोस्तों लास्ट तक यहाँ पर आने के चांसेस हैं, और उसी टाइम दोस्तों आपको आईटीआई के संबंधित बहुत सारे पद देखने को मिलेंगे जो कि सितंबर के लास्ट में आने वाले हैं। तो आप लोग कमर कस लीजिए दोस्तों, वैकेंसीज आने वाली है। आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज भी आने वाली है, जो सीटीआई किए हुए हैं, या फिर जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, बीटेक है, उनके लिए भी गुड न्यूज़ है, या फिर जिन लोगों ने आईटीआई करके सीटीआई किया है उनके लिए भी गुड न्यूज़ है कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर के पद भी आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपको पता है कि देखिए एक विज्ञापन संख्या आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, विज्ञापन संख्या परीक्षा अनुदेशक मुख्य परीक्षा का दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट आ गया है, अभिलेख परीक्षण दोस्तों यहाँ पर जारी किया गया है। ठीक है, ये रिजल्ट आप क्लिक करेंगे तो दिख जाएगा, वहाँ से आप लोग अब एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड हो जाएगा काउंसलिंग के लिए। ठीक है, जिससे अलॉटमेंट हो के लिए आप कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसीज के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए, बुक्स वगैरह मार्केट से परचेज कर लीजिए। ठीक है, और उसका सिलेबस दोस्तों आपको मैं अगली वीडियो में शेयर कर दूँगा कि कैसे आपको क्या करना है, कमेंट्स करना अगर आपको सिलेबस चाहिए तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करा दूँगा।